आज हम समझ रहे हैं पंडित जी से कि कैसे रुमाल हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किस रंग का रुमाल हमें अपने पास रखना चाहिए। राशि अनुसार पंडित जी बता रहे हैं, अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में जानने के लिए। पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को किस रंग का रुमाल रखना चाहिए? जी, अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को किस रंग का रुमाल अपने साथ में रखना चाहिए। तुला राशि को समझते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए हरे रंग का और नीले रंग का रुमाल अच्छा होगा। आप हरे रंग का रुमाल भी रख सकते हैं और नीले रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका भाग्य अच्छा होगा और आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आपके जीवन में स्थिरता आएगी। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए लाल रंग का रुमाल सर्वोत्तम है। आपको अपने साथ लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए। आप चाहें तो इसके साथ सफेद रंग का कॉम्बिनेशन, व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाग्य पर और आपके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपका भाग्य और आपका स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोगों के लिए गुलाबी रंग का रुमाल सबसे ज्यादा बढ़िया है। साथ ही अगर आप चाहें तो कभी कभी पीला रुमाल भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी येलो कलर का रुमाल भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा। मैं ज्यादातर धनु वालों को कहूंगा कि आप अपने साथ पीला रुमाल ज्यादा रखिए। आप दुर्घटनाओं से बचेंगे, स्ट्रगल कम होगा और चोट चपेट की स्थितियों से आप सुरक्षित रहेंगे। आज हम समझ रहे हैं कि कैसे एक रुमाल हमारे भाग्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का समय हो गया है। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले किस रंग का रुमाल अपने पास रखें? जी, अब ये जानते हैं कि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लोगों को किस रंग का रुमाल अपने साथ में रखना चाहिए। अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रुमाल धानी रंग का होगा। धानी मतलब लाइट ग्रीन, जो उगते हुए धान का रंग है, धानी रंग का अच्छा होगा रुमाल। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नीले रंग का रुमाल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको करियर में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए सफेद रंग का रुमाल, व्हाइट कलर का रुमाल सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और व्हाइट जितना ज्यादा ब्राइट होगा, जितना ज्यादा सफेद होगा, जितना ज्यादा चमकदार होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप नियमित रूप से सफेद रंग के रुमाल का प्रयोग करें तो आप संतुलित रहेंगे, आप बैलेंस रहेंगे और आपका भाग्य आपका साथ देगा। मीन राशि, आपके लिए लाल रंग का रुमाल सर्वोत्तम है। ब्राइट रेड कलर का रुमाल अगर आप अपने पास रखें तो बहुत अच्छा है।
आप चाहें तो नारंगी रंग का रुमाल भी आप अपने पास रख सकते हैं। नारंगी रंग का रुमाल आपके लिए लाभकारी होगा। तो अगर आपकी राशि मीन है और आप लाल रंग का या नारंगी रंग का रुमाल अपने पास रखते हैं तो इससे आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपका आर्थिक पक्ष, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कभी बादल में सूर्यदेव छिप जाए सुबह सुबह, तो सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों? जी देखिए, ऐसा माना भी जाता है और ऐसा ठीक भी है कि अगर सूर्यदेव न दिखाई दे रहे हों तो जल मत चढ़ाइए, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? देखिए, जल चढ़ाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जल के माध्यम से सूर्य की रोशनी आपके शरीर के अंदर आती है, आपके चक्र बेहतर होते हैं, आपके शरीर का एनर्जी लेवल बेहतर होता है, आपके ग्रहों की, आपके मन की स्थिति अच्छी हो जाती है। लेकिन जब सूर्य दिखेगा ही नहीं तो आपके जल के माध्यम से प्रकाश आपके अंदर नहीं आएगा। तो ऐसा जल चढ़ाने से जल बर्बादी है, ऐसा जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर बादलों की वजह से आप जल नहीं चढ़ा पाते, सूर्य नहीं निकलता, नहीं दिखता, तो जल मत चढ़ाइए। अगर घर के सामने कोई बिल्डिंग आ गई है जिसकी वजह से जल नहीं चढ़ा पा रहे तो मत चढ़ाइए। या तो छत पर जाके, पार्क में जाके, खुले स्थान पे जाके जल अर्पित करिए। और अगर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।